हैप्पी न्यू ईयर डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। तो एक साल और बीत गया, पर कोई बात नहीं, एक साल नया साल आया है, फिर नई संभावनाएं आई है और एक नई उम्मीद आई है। नई उम्मीद के साथ आप लोग फिर से तैयारी में जुड़िए, क्योंकि नए साल के साथ ही नए नए एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के। ESE का एग्जाम्स आ रहा है, गेट का एग्जाम आ रहा है, और ऐसे ही साल भर एग्जाम आते रहेंगे, इसरो का, DRDO का, बार का, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्स आते रहेंगे। SSC JEE का भी एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी आया है, तो कुछ लोगों का सेशन हुआ होगा, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे ही लगे रहें आप लोग। आज ना कल होना ही है, जो लगा रहेगा उसका हो ही जाएगा, जो छोड़ देगा भाई छोड़ देगा तो छोड़ देगा। छोड़ने वाला भी अपना डिसाइड कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करें, गवर्नमेंट जॉब में ही जाए, प्राइवेट नौकरियां भी है जो कहीं और, अगर बेटर उनके पास विकल्प है तो वहां भी वो जा सकते हैं, अपने नॉलेज अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प है, विकल्पों की कमी नहीं है, निराश ना हुआ जाए। क्यों निराश हुआ जाए, संभावनाएँ बनी हुई है, धरती सदैव घूम रही है, सूरज सदैव उगता है सदैव डूबता है, कोई निराश होने वाली बातें नहीं है, ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। आप भी उसी की तरह प्रगतिशील रहिए, आगे सोचते रहें, आगे करने के लिए सोचते रहें, निराश ना हो, कुछ ना कुछ करें, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। चिंतित होने से कुछ नहीं होता है, चाहे ये करें या वो करें, कुछ भी करें, पर चिंतित ना हो। परेशान होने से जो आपके दिमाग में स्ट्रेस जब आता है, टेंशन आता है, तो आपको नए नए जो आइडियाज होते हैं वो भी दिमाग कम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उस वो टेंशन ना लें, क्या होगा कैसे होगा, अरे जो होगा बस आज के बारे में आप सोचें, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सोचते रहें बस आप। एग्जाम देना, अगर एग्जाम का भी पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम पर फोकस कीजिए। जो लोग एग्जाम छोड़ने वाले हैं कि भैया आप गेट हमने दे दिया, बहुत सारे दे दिए, अब मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए, या फिर अब मुझे जॉब करना है, या फिर पार्ट टाइम करना है, या फिर कुछ और, तो उसके बारे में सोचें और उसको करें, ठीक है। सिर्फ सोचते ना रहें, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में आ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड, चूँकि एग्जाम आ गया तो हर कोई तो लगभग एग्जाम देने वाला वही ये वीडियो को देख रहा होगा, गेट और ESE का एग्जाम है। तो चलिए, मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल ESE के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम लोग गैस टर्बाइन के वीडियोज देख रहे थे, गैस टर्बाइन, चूँकि ESE एग्जाम नज़दीक आ गया है तो एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। गैस टर्बाइन इंपॉर्टेंट है, खासकर ESE एग्जाम के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो हम लोग इस पर देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दे दूँ कि इसके पहले ही 3 वीडियोज, इसके लेक्चर्स और बने हुए हैं गैस टर्बाइन पे, तो उसके आगे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो वो वीडियोज भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें। गैस टर्बाइन का 3 वीडियोज और बना हुआ है, और चूंकि ये एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो मैं तो धीरे धीरे कंप्लीट कर ही रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में ESE में आता है, गेट में आता है, या फिर अदर PSU जो एग्जाम्स में आते हैं, उस सबको कंप्लीट किया जाए, सबको कवर किया जाए, सारे का सिलेबस। और अधिकतर का सिलेबस वही रहता है, PSU एग्जाम्स का सिलेबस वही रहते हैं जो ESE का सिलेबस रहता है। क्वेश्चंस भी थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव लेवल तक ही क्वेश्चन को सीमित रखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेवल है आपका, जो प्री एग्जामिनेशन है आपका ESE एग्जाम का, वहीं तक वो सीमित रखते हैं। तो ESE एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसी पर फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बना रखा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि पूरा सिलेबस बनाने में तो समय लगेगा, पर मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैं आपसे आग्रह करता हूँ उसको आप जरूर देखें, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप मुझ पर यकीन करें और उसको देखें। आपको टॉपर से टॉपर्स बच्चे भी उसको देख के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे देख के जाते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर वो अपलोडेड है तो वहाँ से देखते हैं। YouTube पे चूंकि मैंने नया स्टार्ट किया है, यहाँ पे लोग कम हैं और यहाँ पे लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं, पर धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ कि ये भी लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और खासकर मैकेनिकल ये क्रैश कोर्स का तो एग्जाम के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चे देखते हैं। तो उसको मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि ESE का जो क्रैश कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स बनाऊँ, वो पर्टिकुलर एकदम पॉइंट बाई पॉइंट जो एग्जाम में आता है टू द पॉइंट वही बनाया हुआ, उतना ही पढ़िए आप, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक एक फॉर्मूला क्या क्या, उस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आ सकता है, वो फॉर्मूले पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है, वो सारे चीज़ें बनाए हुए हैं। मात्र 7 से 8 घंटे का वो वीडियोज है, ठीक है, सारे पार्ट बाई पार्ट भाई, स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, जहाँ पे स्किप करना रहेगा, जो जानते हो वहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, और आप उसको 3-4 घंटे में कवर कर लोगे, पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा, मेरा ये वादा है आपसे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए।
तो ये हमारा सिंपल ब्रेटॉन साइकिल जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में हम लोग मेरिट डिमेरिट सब कुछ देख चुके हैं, वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देख चुके हैं, इसका एडवांटेजेस देख चुके हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट के, डिसएडवांटेज गैस टर्बाइन पावर प्लांट के देख चुका हूँ मैं। परफॉर्मेंस टर्म्स जो हैं आपके प्रेशर रेशियो, वर्क रेशियो, एयर रेशियो सब मैंने पहला दूसरा ही आपके दूसरे वीडियो जो है उसमें आपको इसको मैंने बता रखा है, बेसिक कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बेसिक कंपोनेंट को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सबको आपको। कंप्रेसर जो आपका कंप्रेसर है, कन्वर्जन चैम्बर है, टर्बाइन है, जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं उन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। डिटेल में भी कंप्रेसर के बारे में बता रखा है कितने प्रकार के कंप्रेसर होते हैं, रेडिएशन कंप्रेसर होता है, एक्सेल क्लोज कंप्रेसर होता है, इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में बता रखा है पिछले आपके वीडियोज में, ठीक है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर के बारे में कहाँ का कितना परसेंट एयर किस काम में यूज में आता है वो मैं बता रखा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कंबर्जन चैम्बर के बारे में बता रखा है कि कितने प्रकार के कंबर्जन चैम्बर होते हैं, कैन एनुलर और कैन एनुलर टाइप के, तीन टाइप के कंबर्जन चैम्बर इस्तेमाल में आता है, तीनों के फोटोज थे। कंबर्जन चैम्बर चूँकि का आपके सिलेबस में बहुत कम है नहीं पूछा जाता है इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया था। टर्बाइन्स बता रखा है, सिंगल शाफ्ट, स्प्लिट शाफ्ट, दो प्रकार के टर्बाइन्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने काफ़ी इसको दिखा भी रखा था पिक्चर के थ्रू कि स्प्लिट शाफ्ट टर्बाइन कैसा होता है, ये देखिए स्प्लिट शाफ्ट टर्बाइन है। आज हम लोगों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी ड्राइव असेंबली। तो इतना जो 6 मिनट आपका बर्बाद हो गया उसको आप कर सकते थे, स्किप कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते थे। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं जो इस लेसन में हम लोगों को देखना है, एसेसरी ड्राइव असेंबली, ठीक है। ये बताना बहुत जरूरी होता है कि पीछे आपने क्या पढ़ा है, उसको रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इस वीडियोस तक पहुँचे होते हैं, ठीक है। उसको यही वीडियो सजेस्ट किया जाता है और वो इसी वीडियो पर डायरेक्ट पहुँचते हैं, तो वो पहले क्या बन चुका है उसको बताना बहुत जरूरी होता है। एसेसरीज देखते हैं, एसेसरीज ड्राइव असेंबली क्या है भाई। सबसे पहले पर्पस, इसके पर्पस क्या है, ये एसेसरीज की क्या पर्पस है। पर्पस है इसका प्रोवाइड मोटिव फोर्स फॉर ड्राइविंग द एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफ इंजन। ये एसेसरीज किसके लिए होता है कि आपका ऑपरेशन जो है, ये जो आपका गैस टर्बाइन है, ये पूरा सिस्टम है ब्रेटॉन साइकिल का, उसका आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमें कई एसेसरीज उसमें लगाने पड़ते हैं, जो इनपुट दिया जाता है, अलग से लगाया जाता है, अटैच कर जाता है, डायरेक्ट उसका कोई फंक्शन नहीं है, पर वो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम एसेसरीज का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से एसेसरीज इस्तेमाल में आते हैं भाई, अटैच एसेसरीज इक्विपमेंट, जैसे फ्यूल ऑयल पम्प, ल्यूब ऑयल पम्प, एस्ट्रेटर, जैसे न्यूमेटिक हो सकता है ये एस्ट्रेटर, इलेक्ट्रिक हो सकता है या हाइड्रोलिक हो सकता है। इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे अगले स्लाइड्स में क्या है और कैसे ये एसेसरीज काम में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जैसे गैस टर्बाइन सिस्टम है, गैस टर्बाइन सिस्टम को हम लोग देखते हैं, एयर सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम, तीन भागों में मैंने गैस टर्बाइन सिस्टम, पूरा सिस्टम गैस टर्बाइन का था उतना, उसको मैंने ये तीन भागों में बांटा, एक तो एयर सिस्टम है, दूसरा फ्यूल सिस्टम है और तीसरा है लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है भाई, एयर सिस्टम क्या, एयर इनटेक्स आर लोकेटेड हाई अप एंड मल्टीपल फिल्टर्स, एग्जॉस्ट, डिस्चार्ज और स्टैक्स। तो ये है आपका जो एयर है, आप जानते हैं कि फ्यूल बर्निंग के लिए आपको एयर चाहिए होता है, कंप्रेस हम एयर को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसे कंप्रेस करते हैं और फिर उसको फ्यूल बर्निंग में यूज करते हैं और फिर उसको एग्जॉस्ट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही है आपका कि ये सिस्टम आपका काम करता है। दूसरा है आपका फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम में क्या है भाई, यूजेज आइदर DFM और JP5। तो फ्यूल सिस्टम में जो इस्तेमाल में आता है वो DFM इस्तेमाल में आता है या फिर JP5 इस्तेमाल में आता है फ्यूल सिस्टम आपका। लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करें अगर हम, तो सप्लाई बियरिंग एंड गियर्स विथ वाइल, तो लुब्रिकेशन कहाँ पर करना पड़ेगा, जहाँ पर रोटेटिंग पार्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ होगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होंगे, लॉसेस होंगे, तो वहाँ पर हमें लुब्रिकेशन सिस्टम्स लगाना पड़ेंगे। तो सप्लाई बियरिंग अगर हमें देना पड़ेगा या फिर गियर्स विथ वाइल, तो ये हमें वाइलिंग वगैरह करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा ताकि लॉसेस कम हो, और कभी लॉसेस हो, फ्रिक्शन हो, तो हीट जनरेट हो, तो वो हीट को भी हम वहाँ से रिमूव कर पाए, इसका भी व्यवस्था होना चाहिए। ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है गैस टर्बाइन सिस्टम में स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम क्या है, टू गेट कंप्रेसर इनिशियली रोटेटेड, HPR यूज्ड कैन यूज इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। स्टार्टिंग सिस्टम है
कि वो सबसे पहले ये टर्बाइन को स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, जब तक फ्यूल जलेगा नहीं तब तक स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फ्यूल के जलने से ही फ्यूल जलेगा, तो हमारा फ्यूल जलेगा तो जाके टर्बाइन घुमाएगा, टर्बाइन कंप्रेसर को घुमाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग सिस्टम से, जहाँ पे क्या होगा, वंस अ सर्टेन आरपीएम फ्यूल इंजेक्टेड एंड अ स्पार्क इग्निटेड, तो स्पार्क प्लग रहेगा, ये जनरली गैस टर्बाइन में स्पार्क प्लग रहेगा जहाँ पे फ्यूल जलेगा, और फ्यूल जलने के बाद आगे की ओर टर्बाइन को वो नचाएगा। तो ये है स्टार्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है भाई, जहाँ से पावर आगे की ओर ट्रांसमिट होता है, जैसे कि आपका शाफ्ट पे रोटेशन मिलता है, वही आपका पावर ट्रांसमिटिंग सिस्टम। वो क्या है, रिडक्शन गियर यूज टू ट्रांसफर टॉर्क, रिडक्शन गियर्स। तो देखो एक गियर जैसे जैसे आप जानते हो अगर रोटेट करा रहा है तो अलग अलग डायमीटर पे जाओगे तो अलग अलग आपको वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको रिडक्शन गियर सिस्टम से हम गियर ढेर सारा लगा के हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग गियर, जैसे अलग अलग डायमीटर का गियर रहेगा तो उस पर अलग अलग स्पीड मिलेगा हमें, तो उस नया नया स्पीड पर हम आगे की ओर चला सकते हैं, आगे मोशन करा सकते हैं। रिडक्शन गियर यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क। उसके बाद है विथ स्प्लिट शाफ्ट टर्बाइन्स कैन रन कैन डिफरेंट स्पीड्स। तो ये स्प्लिट शाफ्ट हम यूज कर सकते हैं, स्प्लिट शाफ्ट के यूज से हम एक से ज़्यादा स्पीड को हम ले सकते हैं, सिंगल टर्बाइन से भी हम स्प्लिट शाफ्ट लेके हम अगर हम स्प्लिट शाफ्ट लेना है तो हमें एक से ज़्यादा टर्बाइन लगाना पड़ेगा जो जिसपे अलग अलग स्पीड्स मिलेंगे हमें, और अलग अलग स्पीड से हम अलग अलग स्पीड ले सकते हैं, अलग अलग जो हमको ज़रूरत है अगर अलग अलग टॉर्क ले सकते हैं, अलग अलग स्पीड ले सकते हैं, अलग अलग ओमेगा रहेगा अगर एक से ज़्यादा हमने टर्बाइन यूज कर लिया तो, जो मैं पहले ही आपको बता चुका स्प्लिट शाफ्ट की, काफ़ी मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ये है गैस टर्बाइन सिस्टम्स। कोई सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये देखिए हम डिटेल में आपको खोल खोल कर एक एक चीज़ दिखा दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ गैस टर्बाइन। ये बार बार आ रहा था, ठीक है, ये पहले भी कई बार पिक्चर्स में आया था जिसमें मैंने कहा था कि आगे इसका पिक्चर्स और क्लियर होगा और उसमें आपको दिखेगा। देखिए मैंने पीछे दिखाया था इस पिक्चर्स को, ये नहीं, ये तो कंबर्जन चैम्बर है, जहाँ पर देखिए ये भी आपका, ये तो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का अंदर का पार्ट है। मैंने इसको पहले भी कहा था, मैंने कहा देखिए जो मैंने कहा था कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है बेसिक कंपोनेंट्स, तो इसको मैं आगे चलकर डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो है आपका टर्बाइन पार्ट होता है, ये बीच वाला आपका कंप्रेसर पार्ट होता है, सॉरी ये कंबर्जन चैम्बर वाला पार्ट होता है जहाँ आग जलता है, और उसके बाद ये आपका कंप्रेसर वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसी को मैं आगे यहाँ पर दिखा रहा हूँ रंगीन पिक्चर में कि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ये हमारा है, ये कंपोनेंट ऑफ गैस टर्बाइन कंपोनेंट, देखिए इनलेट वाला पार्ट है ये, यहाँ से इनलेट होता है, ये कंप्रेसर, कंप्रेसर का ब्लेड लगा हुआ है जो कंप्रेस करेगा, ये कंप्रेसर है, यहाँ बर्नर लगा हुआ है जो इसको बर्न करेगा, ठीक है, आग लगाएगा, यहाँ पे आग लगाएगा, शाफ्ट आगे लगा हुआ, ये टर्बाइन लगा हुआ। देखिए गैस टर्बाइन कितना सिंपल सा होता है, एक ही में सारा का सारा अटैच है। तो मैंने इसको खोल खोल के दिखाया है, ठीक है, इसके पहले वाला पिक्चर दिखाया था उसमें देखा था पूरा कंबाइन, इसको मैंने अंदर का पार्ट इसको खोल खोल के दिखाया है। इसमें ये टर्बाइन है, टर्बाइन नचेगा और आपको शाफ्ट पे टॉर्क रोटेशन मिल जाएगा जिससे आप जो भी चलाना है जनरेटर वगैरह से कनेक्ट करके आप चला सकते हो। तो देखो कैसा गैस टर्बाइन कितना सिंपलेस्ट फॉर्म है, कितना सिंपली बन जाता है और कितनी सिंपली से चल जाएगा। ये एक आपको एक ही में सारा चीज़ें मिल जाएगा, एक ही में जलने वाला भी मिल जाएगा, एक ही में कंप्रेसर मिल जाएगा, एक ही में टर्बाइन मिल जाएगा, एक छोटा सा सिस्टम बन के आपका तैयार हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ गैस टर्बाइन जिसको आप इजीली देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं, एक ब्लैंक पेज। ये है आपका गैस टर्बाइन विद रीजनरेशन साइकिल। ये भी काफ़ी पूछा जाता है रीजनरेशन से, और अगर ईएसई की बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, मेंस में तो वो काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उस पर आप बाद में बात करेंगे जब एग्जाम्स नज़दीक आएगा तो उसकी हम बात करेंगे। आप पहले इसको क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मेंस का भी मैं एक वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है, पूरा सिलेबस को न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, कैसे सोल्व करें, कितना कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन भी मिलेगा कि भाई आप सोल्व कर पाए उसको, सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के, खैर ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, तो उसके सॉल्यूशंस तो मार्केट में है ही, पर मैं उसको सोल्व करने के लिए कुछ एक क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको मैं कर करके क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फोकस करते हैं गैस टर्बाइन विथ रीजनरेशन।
यही क्वेश्चन आएगा आपका मेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल, और यहाँ पर रीजनरेशन से इफिशेंसी बढ़ेगी घटेगी इस तरह के सवाल आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन भाई, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन सिंस लेस फ्यूल यूज्ड फॉर द सेम वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट भैया जो मिल रहा है सो मिलेगा, ठीक है, वर्क आउटपुट कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फ्यूल कम जले ये हम कोशिश कर सकते हैं, फ्यूल हमारा कम जले इसका हम कोशिश किया जा सकता है, इसकी मेहनत किया जा सकता है, और ये हम रीजनरेशन की हेल्प से करते हैं। और मैं इस पिक्चर में डिटेल में रीजनरेशन को समझाऊंगा, रीजनरेशन में सब बच्चों को दिक्कत होता है, रीजनरेशन क्या होता है भाई। तो गैस टर्बाइन इंजन विद रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है, चलो देखिए कुछ चीज़ें आप जानते हैं, जैसे कंप्रेसर तो होगा आपको ये पता है, कंप्रेसर में ऊपर से इनलेट में एयर आएगा, एयर को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके आगे की ओर फ्लो करेगा, कंबर्जन चैम्बर में जाएगा, कंबर्जन चैम्बर में चला गया, बस यहीं पर फोकस करें, कंबर्जन चैम्बर में गया और जाके आगे आगे सॉरी अभी कंबर्जन चैम्बर में नहीं गया, यहाँ पर कंबर्जन चैम्बर है, यहाँ पर जाएगा और कंबर्जन चैम्बर से निकलेगा फ्यू, यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो जो गैस है, जो गर्म गैस है, हॉट गैसेस, वो निकलेंगे और ये टर्बाइन के ब्लेड से टकराएंगे और टकरा के टर्बाइन के ब्लेड को घुमा देगा, घुमा के नचेगा और शाफ्ट पे आपको पावर मिल जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ रीजनरेशन कहाँ हुआ, होगा, अब एग्जॉस्ट भी तो कराना है भाई, टर्बाइन में गया है तो वो टर्बाइन को चलाने के बाद लौटेगा भी तो उसी में थोड़ा ना रह जाएगा, तो इसको टर्बाइन को चलाया वो और टर्बाइन को चला के हॉट गैसेज बाहर निकले। अब इस हॉट गैसेज को फेंक सकता था बाहर, लेकिन इस बार फेंकूंगा गर्म चीज़ें, क्यों मैं फेंकूंगा एटमॉस्फेयर में, क्यों मैं दुनिया को गर्म करूँ, ऐसी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और मैं गर्म क्यों करूँ, और भाई यहाँ पे मैं कंबर्जन चैम्बर लगा के बैठा हूँ गैस को गर्म करने के लिए, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि भैया गर्म गैस को फेंक दो, मैं जब गर्म ही करना है तो मैं फ्यूल जला के क्यों गर्म करूँ, मैं गर्म गैसेस को ही ले जाऊँगा और उसको जो यहाँ से कंप्रेस्ड होकर गैसेस आ रही हैं ठंडी ठंडी गैसें, ठीक है, ठंडे ठंडे एयर जो आ रहा उसके साथ मैं क्यों ना इसको रीजनरेट करा दूँ। रीजनरेशन मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा रहेगा, हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज करेगा, ये गर्म फ्यूल ऊपर से जा रहा है और यहाँ से ठंडा फ्यूल आ रहा है कंप्रेसर से, ये दोनों मिलेगा और हीट का एक्सचेंज होगा। देखो हीट का एक्सचेंज दिखाया भी गया है रेड रेड से, कि ऊपर से हीट कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से गर्म हवाएं फ्लो हो रही है, नीचे ठंडी हवाएं फ्लो हो रही है, उसमें रीजनरेशन का सिस्टम बना रहता है, हीट एक्सचेंजर लगा रहता है ताकि हीट एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके और हीट एक्सचेंजर क्या आराम से जाए। तो यहाँ से जो फ्यूल जाएगा अब वो थोड़ा बहुत गर्म होकर जाएगा, अगर थोड़ा बहुत गर्म होकर गया तो कंबर्जन चैम्बर में फ्यूल आपको ज़्यादा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है फायदा रीजनरेशन का। तो भैया रीजनरेशन से तो इफिशेंसी सदैव बढ़ेगी, चाहे कुछ कर लो रीजनरेशन से तो इफिशेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, पर रीजनरेशन से इफिशेंसी हर हाल में बढ़ती ही है, ठीक है, रीजनरेशन इफिशेंसी को घटाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे देखो एरिया वेरिया तो देखो वर्डन भाई ग्राफ में आप टीएस ग्राफ का अंडर का एरिया निकालोगे, ठीक है, तो वो तो वर्डन देगा, तो वर्डन तो आपका सेम दिखेगा, तो वर्डन अगर बढ़ा नहीं तो इफिशेंसी कैसे बढ़ेगी, हो गया जादू, ठीक है। इफिशेंसी कैसे बढ़ गई, इफिशेंसी इसलिए बढ़ा क्योंकि बर्डन तो भैया वही है, पर आप जो हीट इनपुट दे रहे हो वो क्या हो गया, वो कम गया है, और वो हीट इनपुट ना ये ग्राफ से देख के आपको नहीं दिखता, आप सिर्फ ग्राफ देख के हीट इनपुट को नहीं देख सकते, ठीक है। अब टीएस डायग्राम आप पहले से जानते हैं, मैं पहले ही बना चुका हूँ टीएस डायग्राम इसका, ठीक है, टीएस डायग्राम जानते हो कि कंप्रेसर और जो टर्बाइन होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है, समझ में आया, आइसेंट्रोपिक होता है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को मैंने सीधा सीधा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस जो आप कंबर्जन करोगे वो आपको एडियाबेटिक करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट प्रेशर पे करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे किया हमने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये है टीएस डायग्राम में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऐसे बनता है, और फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस टर्बाइन में जाके हुआ, और फिर एग्जॉस्ट हमने किया, तो एग्जॉस्ट में तो यहाँ पे ओपन साइकिल अगर रहेगा तो ये डैश डैश लाइनें बनेगी, अगर ये ओपन साइकिल नहीं है क्लोज साइकिल है तो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो एग्जॉस्ट होता है तो आप जानते हो कि नीचे इंटरकूलर लगाना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ये गया ना ऐसे ऊपर से गया, तो इसको फिर से इसमें हमको डालना था कंप्रेसर में, क्योंकि हमें ठंडा करके कंप्रेसर में डालेंगे, ठंडी एयर को कंप्रेसर में डालेंगे, गर्म एयर को कंप्रेसर में कभी नहीं डालेंगे, याद रखो कंप्रेसर में जब भी जाएगा तो ठंडी हवा जाएगी, गर्म हवा का ऐसे नहीं कि ऐसे जाके मिला दें, कि कंप्रेसर में गर्म हवा जाएगी तो गर्म चीज़ें फैलती हैं, और कंप्रेसर को रख करना होता है कंप्रेस,
तो गर्म हवा को कंप्रेस करेगा तो क्या मुश्किल नहीं होगी कंप्रेसर को? मेहनत नहीं लगेगा, थकेगा नहीं बेचारा, एनर्जी ज़्यादा नहीं फूकेगा। तो कंप्रेसर में हम ठंडी हवाएं भेजते हैं, हम तो कोशिश पूरी होती है कि हमें ठंडी से ठंडी जाए, गर्म हवा को कंप्रेस करना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कंप्रेस करना उसका क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हवाएं ठंडी हो, ठीक है। तो ऊपर से जो हवा जा रहा है उसको हम नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से जो जा रहा है उसको हम डायरेक्टली इसमें नहीं डालेंगे, तो हमको ठंडा करना पड़ता था। तो वो भी भाई गर्म किए तो एडियाबेटिक प्रोसेस, ठंडा करोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ये वाला एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर मैंने क्या किया, चार्ज पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना जो निकला है ना उसको मैंने इधर भेज दिया है, ठीक है, पाँच की तरफ रीजनरेशन करने के लिए, ठीक है। फिर से हम, हो सकता है कि फिर से बीच में हम भेज सकते हैं इधर, अगर भेजने के हमको मन करेगा तो भेजेंगे, नहीं भेजने का मन करेगा तो नहीं भेजेंगे। तो ये देखिए रीजनरेशन दिखाया भी गया है, कई स्टेप पर रीजनरेशन किया जाता है या फिर एक सिंगल स्टेप पर भी रीजनरेशन किया जाता है। देखो रीजनरेशन दिखाया गया ऐसे 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 करके दिखाया गया है रीजनरेशन को, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ है होगा। देखो यहाँ पे अब लिखा होगा रीजनरेशन, तो वहाँ से रीजनरेशन मैंने क्या किया है, वहाँ से कुछ थोड़ा सा जो निकला है हॉट एयर उसको मैंने जाके हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसका हीट को उधर एक्सचेंज कर दिया है, उसको गर्म करने में इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। ये हमने किया है, यही है आपका रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हीट एक तो यहाँ पे ऐड हुआ है कंबर्जन चैम्बर और यहाँ से हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। जो कूलिंग वगैरह करोगे वहाँ पे कूलिंग करोगे तो वहाँ पे कंडेंसर लगाओगे कुछ भी कुछ जिस तरह से भी करो तो वहाँ से तुम्हारा ये निकल जाएगा आपका हीट। और यहाँ से हमने पहले थोड़ा सा हीट को पहले निकाल रख के इधर भेज रखा है, ठीक है, रीजनरेशन करके गर्म करने के में इस्तेमाल में आ गया। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये चला गया उसको फेंक देंगे, अरे ऐसा नहीं करेंगे। अगर क्लोज साइकिल है ना तो वर्किंग फ्लूइड कहीं फेंकाता नहीं है, याद रखिए। वो फिर मतलब यहाँ से हीट एक्सचेंज करके बाद फिर इसके साथ मिलने के बाद ही इसमें इंटर करेगा, ये याद रखिए, ठीक है। जो हम कंप्रेसर में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तो भाई गर्म कर लेंगे, एक तो हम जो कूलिंग हम लगा रखे हैं उससे हम कूलिंग करेंगे और दूसरा हम जाके इसमें जाके डायरेक्टली वहाँ पे हीट एक्सचेंजर करने के बाद वहाँ से हीट दे देगा तो उसके बाद जाके कूलिंग करेंगे। कूलिंग करना भी आसान, हमको डबल फायदा, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग करना भी आसान हो गया और आपका आपका फ्यूल भी बच गया क्योंकि गर्म करना था तो वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हमारे इंजीनियर इतने इंटेलिजेंट हैं कि सब करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सो समझ में आ गया होगा रीजनरेशन में, और भी रीजनरेशन और भी क्लियरली ढंग से आपको दिखा देता हूँ रीजनरेशन को, रीजनरेशन साइकिल देख लीजिए आप। रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि ए से ज़्यादा टर्बाइन भी अगर आप नचाना चाहते हैं तब भी नच सकता है, या फिर कंप्रेसर टर्बाइन। फिलहाल तो मैं सिंपली आपको दिखाना चाहता हूँ कंप्रेसर टर्बाइन वाला सिंपल सा। देखिए क्या है कि आपका कंप्रेसर है ये, ठीक है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में आपका चाहिए भाई कि आप एयर भेजो और एयर यहाँ से देगा ये आपको। तो ये देखिए आपका सबसे पहले तो भैया मान लेते हैं कहीं से इनलेट हो रहा है, अभी हम ध्यान एक जगह से कहीं से प्रोसेस शुरू करते हैं, साइकिल प्रोसेस से एक जगह शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ से आपका कंप्रेस हो गया आगे बढ़ा है, कंप्रेस हो गया आगे बढ़ा है, कंप्रेस आके यहाँ पे हीट एक्सचेंजर आया है, क्या करेगा वो बाद में देखेंगे, हीट एक्सचेंजर क्या करेगा। जो अब पूछोगे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है तो कंबर्जन चैम्बर कहाँ है, तो मैंने बताया था जो क्लोज साइकिल होता है उसमें कंबर्जन चैम्बर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, कंबर्जन बाहर कहीं पे होता है, ठीक है। बाहर क्यों होता है वह कंबर्जन, आप समझ सकते हैं कि भैया अगर जो वर्किंग फ्लूड है जो सर्कुलेट हो रहा है पूरे साइकिल में चल रहा है जैसे भी चल रहा हो, ठीक है, वो अगर वो उससे चल रहा है अगर उसमें कुछ मिला दोगे तुम बाहर से तो वो साइक्लिक प्रोसेस रह जाएगा क्या, बार बार वो डिस्टर्ब होगा तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा ना अगर वो पॉल्यूटेड होता रहेगा। तो अगर कोई भी चीज़ें साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें जैसा वो है वैसी तरह से रहेगा तभी तो साइक्लिक प्रोसेस में बार बार रिपीट होना हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर से कहीं कंबर्जन चैम्बर आग जलाते हैं और हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसमें हीट हम ऐड करते हैं उसको, भाई बाहर हमने आग जला लिया वहाँ से हम गर्म हवाएं के ले आए और यहाँ से हमने हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको मिला लिया और इसको इस साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो ये वाला प्रोसेस होता है यहाँ पे, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर बनाया हुआ है क्योंकि क्लोज साइकिल को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हीट एक्सचेंजर दिया गया है, यहाँ पे क्या किया मैंने, हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको गर्म किया, मैंने बाहर से कभी कोयला जला रहा हूँ या कुछ भी फ्यूल जला रहा हूँ मैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको जो कंप्रेस्ड एयर आया उसको गर्म किया, गर्म एयर को हमने आगे ले गए और रीजनरेटर के पास गए।
रीजनरेटर में क्या होता है, रीजनरेटर में ये कंप्रेसर टरबाइन से जो फ्यूल गर्म हवाएं निकल के आती है टरबाइन को घुमाने के बाद, उसको हम थोड़ा सा और हीट एक्सचेंजर लगा के थोड़ा सा कूल वूल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी तो जैसा आपको समझ में आए, क्योंकि जैसे ही टरबाइन से निकलेगा कुछ ना कुछ अपने आप तो कूलिंग होगा ही होगा उसका, तो कुछ कूलिंग वगैरह कुछ हीट को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ आपको एयर को आगे बढ़ाना होगा और कुछ ना कुछ कुछ एयर को आपको रीजनरेशन के लिए आगे भेजना होगा, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ को निकाल लिया, कुछ को निकालोगे अगर एयर को तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि कुछ हीटेड एयर को तुमने निकाल दिया, कुछ हीट तुमने निकाल दिया है और उसको हम रीजनरेशन के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, क्यों हम थोड़ा सा निकालते हैं, देखो आगे की भी तो बढ़ना है, ठीक है, आगे ही बढ़ना, तो हम बस कुछ ही हीटेड एयर को आगे निकालते हैं, वो जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसका, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब पता लगेगा कि कितना हम निकालते हैं, जब इफ़िशियंट होने के लिए या फिर मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए कितना निकालना चाहिए, ये सब हम लोगों को समझ में आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तब। यहाँ पे हम लोग बस देखते हैं, बस याद करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि यहाँ पे क्या किया, कुछ ना कुछ भाई कुछ ना कुछ आगे सप्लाई हुआ, देखो आगे भी जा रहा है और कुछ ना कुछ हमने रीजनरेशन के लिए भेजा है, यही ब्लू वाला दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपका जो हीट एक्सचेंजर लगा के यहाँ से हीट निकालो, ठंडा कियो और कुछ ठंडा कर दियो, तो बाकी जो बचा है वो इधर आएगा और ये रीजनरेशन करेगा। रीजनरेशन क्या है भाई, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों मिलके भाई ये जो इधर से आ रहा है कंप्रेसर उसको गर्म करेगा और यह खुद ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर आगे बढ़ेगा और कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेस होगा और फिर से ऐसे ऐसे घूम के आएगा, ऐसे 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 वैसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इधर से ऐसे गया 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 ऐसे आ गया, ठीक है। क्या हुआ भाई, एक इनलेट एयर आया, इनलेट एयर कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर आगे गया हीट एक्सचेंजर में जाके गर्म हुआ, ठीक है, बाहर से जो फ्यूल जल रहा था उस हीट एक्सचेंजर से हीट फ्लू को के गर्मी को लाए और यहाँ पे हमने गर्म किया, यहाँ पे रीजनरेटर लगा हुआ था, रीजनरेटर लगा हुआ था, वो रीजनरेटर क्या किया, इसको और ज़्यादा गर्म किया, हमारा फ्यूल कम जलाना पड़ा, और ज़्यादा गर्म हो गया, और ज़्यादा गर्म हो गया, टर्बाइन को जाके नचाया, टर्बाइन को नचा के फिर से वो फ्यूल घूम के आया और फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू कुछ जो कमना था वो हीट कम गया और फिर उसी हीट रीजनरेटर में जहाँ से यहाँ पे फ्यूल आ रहा है और एक इधर आ रहा है, दोनों जगह के क्या हो गया, यहाँ पे मिला है और मिलके एक दूसरे को हीट लेना देना चला, जो गर्म है वो देगा, जो ठंडा है वो लेगा, ठीक है, तो इधर गया और फिर टर्बाइन के बाद, इसी तरह से आपका प्रोसेस ऐसे ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये है, आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, इसमें भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो दो प्रोसेस आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, एक हाई प्रेशर पे है, एक हाई लो प्रेशर पे है। हाई प्रेशर पे कौन काम करता है, हाई प्रेशर पे आपका कंबर्जन चैम्बर काम करता है, जब कंप्रेस होकर गया क्या कि यहाँ पे कंबर्जन चैम्बर या फिर कहो कि हीट एक्सचेंजर, वहाँ भी हीट एक्सचेंजर ही रहता है क्लोज साइकिल की बात करो तो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंबर्जन चैम्बर से आपका हीट वो आ रहा होता है और आके यहाँ पे गर्म कर रहा होता है, बाहर कहीं हीट चैम्बर होता है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऊपर गया यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे टर्बाइन चल रहा है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा है, जैसे आया नीचे तो थोड़ा सा कूलिंग हुआ, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा उससे निकाल लिया, बाकी को हम कूल होने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। सारा काम नहीं निकालते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्यों हम नहीं निकालते हैं, जब हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। अब हमारा फिर से आ गया इंटरकूलिंग, रीजनरेशन हमने कर दिया, अब हम ठंडा भी करेंगे। ठंडा क्यों करेंगे भैया, ठंडा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम जानते हो कि भैया जो कंप्रेसर है ना, कंप्रेस कर जो गर्म हो जाएगा गैस, उसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा, हमको ज़्यादा एनर्जी फूकेगा कंप्रेस करने में, और एनर्जी देगा को दे रहा है कौन, टर्बाइन ही तो उस एनर्जी को दे रहा है, कंप्रेसर को नचा रहा है। अगर हम सिर्फ एक ही पहले हमने पढ़ा कि एक से ज़्यादा टर्बाइन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा हम कंप्रेसर भी इस्तेमाल में करते हैं, क्यों करते हैं भाई, उसको हम लोग जानते हैं क्यों करते हैं, हम एक से ज़्यादा टर्बाइन ये कंप्रेसर इस्तेमाल में लाते हैं, क्यों, क्या होता है कि हम जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो कंप्रेस करने के दौरान टेम्परेचर ही बढ़ाता है। अब देख ही सकते हो, पिक्चर आप देख सकते थे कि जैसे जैसे भाई कंप्रेसर काम कर रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है कि ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा गैस को। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसको कंप्रेस भी करेंगे और ठंडा कर कर के कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा कर कर के कंप्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा,
तो यही होता है इंटरकूलिंग, बीच में घुस के कूल कर दो, ठीक है। तो हमने इसमें दो प्रकार का कूलिंग होता है, लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, एक हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है, ठीक है। लो प्रेशर कंप्रेसर में क्या करता है, सबसे पहले ये आपका कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर के एयर दिया, देखा कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसको इंटरकूलर, एक हीट एक्सचेंजर ही होता है इंटरकूलर, इसमें ठंडा करने की व्यवस्था होता है, बाहर से हम उसमें सप्लाई करते हैं, ठंडे गैस का सप्लाई कर सकते हैं, ठंडा वाटर का सप्लाई कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होगा ठंडा हो जाए, और ठंडा होकर फिर से हम कंप्रेसर में डाल देते हैं, और फिर कंप्रेसर में जाकर क्या करता है दूसरा कंप्रेसर, फिर से उसको कंप्रेस करता है, ठीक है, और आगे की ओर रिलीज करता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय, यहाँ पे दो स्टेप पे क्या, दो से ज़्यादा स्टेप पे कर सकते थे आप, ठीक है, इंटरकूलिंग। तो दो ही स्टेप वाला फिलहाल तो करो, दो स्टेप जब कर लोगे तो उससे ज़्यादा स्टेप वाला भी सीख जाओगे। तो यहाँ पे दो स्टेप में हमने इंटरकूलिंग किया है, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेप में इंटरकूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसके बाद इंटरकूलिंग करके आगे हमने दे दिया, हीट यहाँ पे ऐड होगा बाहर से, जहाँ से भी तुम ऐड करके, ये क्लोज साइकिल में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्लोज साइकिल में जहाँ यहाँ ऐसे मैंने कन्वर्जन चैम्बर नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि बाहर से आपको हीट एक्सचेंजर लगा के बाहर से यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है, और फिर जाके वो टर्बाइन को घुमाएगा और फिर से सप्लाई करेगा, और एक ही टर्बाइन पे देखो दोनों को, दोनों एक ही हिसाब से दोनों कनेक्टेड है, कंप्रेसर में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर को चलाएगा तो टर्बाइन है, और एक ही स्पीड पे चलेगा भी दोनों कंप्रेसर, क्योंकि एक ही टर्बाइन से वो कनेक्ट होगा, जब तक एक से ज़्यादा टर्बाइन नहीं होगा तब तक भाई पूरा स्पीड देने वाला स्पीड ही कौन है, टर्बाइन है, तो टर्बाइन ही स्पीड दे रहा है, तो जिस स्पीड पर टर्बाइन नच रहा है उसी स्पीड पर सब नचेगा, ठीक है। पूरा पावर देने वाला टर्बाइन ही है, टर्बाइन ही पावर पैदा करता है, और जहाँ पे भी पावर की जरूरत होगा टर्बाइन ही देगा। एक और चीज़, यहाँ पे लो प्रेशर टर्बाइन कहते हैं, उसके आगे वाला को हाई प्रेशर टर्बाइन कहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जान लो कि सबसे पहले ये प्रेशर को बढ़ाएगा, सबसे पहले इसी पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो इनपुट हो रहा है, ठीक है, इसी फ्यूल को अगर यहाँ पे इनपुट कराना तो यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने किया है, अब सबसे पहले यहाँ आ गया तो सबसे लो प्रेशर पे तो ही आया, क्योंकि पूरा एक्सपैंड किया टर्बाइन ने, पूरा क्या किया उसका जो प्रेशर था उसको कम किया, उसको एक्सपैंड किया, उसके यहाँ पे क्या है लो प्रेशर है, लो प्रेशर वाला क्या किया आगे बढ़ाया, यहाँ पे कंप्रेस किया ना कुछ, उसके बाद इंटरकूल करके यहाँ डाला, तो अब जो गैस इसमें इसका प्रेशर में डाल रहा है वो हाई प्रेशर पे कुछ ना कुछ ये तो कंप्रेस कर दिया है ना, कुछ ना कुछ प्रेशर तो बढ़ ही गया होगा, अब कुछ कुछ प्रेशर बढ़ा है तो ये कंप्रेसर उसको क्या करेगा, फर्दर उसको कंप्रेस करेगा, तो ये जो निकाले ये है जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ये हाई प्रेशर पर काम करेगा, इससे ज़्यादा लगाओगे तो वो भी और ज़्यादा हाई प्रेशर पर काम करेगा, ठीक है। एक चीज़ पूछा जाता है या फिर जानना आपको चाहिए, वो है आइडियल इंटरकूलिंग। फॉर आइडियल इंटरकूलिंग भैया हम कर क्या रहे हैं पहले ये बताओ, हम कर रहे हैं टेम्परेचर को कम कर, इंटरकूलिंग करता क्या है, कंप्रेस करने के दौरान टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करना होता है, कम करना होता है, यही करना होता है हमें। तो हम कम कितना टेम्परेचर तक कम करें, तो आइडियल इंटरकूलिंग कहता है कि भैया जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही कर दो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल इंटरकूलिंग। जब हमारा जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर वन पे जो टेम्परेचर था, ठीक है, वही यहाँ पे जो तीन पे इंट्री करें सेकेंड कंप्रेसर में, वो भी आपका टी वन पे ही इंट्री करें, आइडियल चीज़ें तो होती नहीं है, पर फिर भी हमारा अगर आइडियल कुछ चीज़ें हम सोच रहे हैं तो आइडियल हम इंटरकूलिंग इसी कहते हैं कि जो फर्स्ट कंप्रेसर में जो इनपुट मिला जिस टेम्परेचर पे इनपुट हुआ है एयर, सेकेंड कंप्रेसर में भी हाई प्रेशर कंप्रेसर में भी उसी टेम्परेचर पे इनपुट हो तो हम आइडियल इंटरकूलिंग कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर पे सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे आपका दोनों कंप्रेसर वर्क कर रहा है, टर्बाइन तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि वर्क कर रहा है 5 से 6 में, ठीक है, 5 से 6 में क्या लगा हुआ है टर्बाइन लगा हुआ है तो काम कर ही रहा है, यह आपका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और यह आपका लो टेम्परेचर है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं आपकी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 से 2 तक पहले गया, 1 से 2 में क्या किया, फर्स्ट कंप्रेसर काम कर रहा है, 1 से 2 में लो प्रेशर कंप्रेसर काम कर रहा है, टेम्परेचर कुछ बढ़ गया 2 पे, अब हम इंटरकूलिंग लगाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर नहीं घटा रहे, सेम प्रेशर है, तो सेम प्रेशर वाला ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है, तो प्रेशर आप हमारा सेम है, प्रेशर में कोई चेंजेज नहीं आया, तो ये प्रेशर को हम घटाते हैं, घटा के हमने प्रेशर को तो हम वही रखते हैं, पर हम क्या घटाते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं, टेम्परेचर घट के कहाँ ला दिया, देखो मिनिमम टेम्परेचर पर ला दिया, वो T2 पहुँच गया था, हम उसको फिर से कहाँ ले आए, T1 पर ले कर चले आए, ठीक है, और इसी टेम्परेचर पर हम फिर से क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, देखो जो 3 है ना 3 पर ले आए हैं, यह है 3 इंटरकूलिंग, यह है 1 से 2 गया था, ये 1 से 2 गया था, और 2 से हमने क्या किया, फिर से इंटरकूलिंग करके टेम्परेचर T3 ले आया, जो कि T1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेकेंड कंप्रेसर लगाया, ये 3 से 4 वाला
कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर के प्रेशर बढ़ा दिया, अब जाके फिर से हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आगे की ओर बढ़ाएंगे, हीट एडिशन करेंगे, हीट एडिशन करेंगे जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा, और फिर हम टर्बाइन नचाएंगे, टर्बाइन नचा के फिर से इसको दे देंगे, ले जाओ। इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। तो ये है आपका इंटर कूलिंग, परफेक्ट इंटर कूलिंग, ठीक है। तो यही है इंटर कूलिंग। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर मैं इस वीडियो में पूरा ये कंप्लीट कर ही देता हूँ। पहले तीन वीडियो पहले ही बन चुके हैं, इसके तीन लेक्चर्स पहले ही बन रिकॉर्डेड हैं, उसके बाद मैं इसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। इसमें इंटर कूलिंग खत्म हो ही चुका है, ठीक है। ये रीजनरेशन और इंटर कूलिंग ही इसमें इंपॉर्टेंट है, कब एफिशिएंसी बढ़ता है, कब घटता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखना था इसमें। और बेसिक क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट लगभग कर ही लिया है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरकूलिंग के ये डायग्राम से भी समझ लेते हैं इंटरकूलिंग को। इंटरकूलिंग का बेटॉन साइकिल में ही हम विथ इंटरकूलिंग का ये पिक्चर बना हुआ है, ये बेटॉन साइकिल ही बना हुआ है विथ इंटरकूलिंग, ठीक है। क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सप्लाई हुआ एयर का, ठीक है, एयर का सप्लाई हुआ, जो ठंडा हवा है उसका हमने सप्लाई किया, कंप्रेसर वन जो था वो कंप्रेसर वन ने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद फिर से हमने इंटरकूलिंग लगाया, इंटरकूलिंग क्या किया, उसका टेम्परेचर घटा दिया, प्रेशर उसने कॉन्स्टेंट रखा, प्रेशर से उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हाई प्रेशर पे हमने दूसरे कंप्रेसर में इनपुट कराया, ठीक है, उस कंप्रेसर ने थोड़ा सा कंप्रेस किया और कंप्रेसर के आगे कंबर्जन चैम्बर को दे दिया, कंबर्जन चैम्बर ने क्या किया, उसमें हीट ऐड किया, हीट ऐड करके उसने आगे टर्बाइन को दे दिया, टर्बाइन पर वो गर्म हवा जाके उसको टकराया, टकरा टकरा के उसको ब्लेड को घुमाया और चलाया उसको टर्बाइन को, टर्बाइन नचा और पावर जनरेट उसने किया, और फिर जो एग्जॉस्ट निकला उसको नचाने के बाद कुछ एयर निकलेगा, अभी तो गायब थोड़ा हो जाएगा, उसको हम लेके आए, फिर हीट एक्सचेंजर लगाएं और उसको ठंडा किए, ठंडा करके हम लोग फिर से कंप्रेसर वन के पास सप्लाई दे दिया हम लोगों ने। ये हमारा प्रोसेस है, इस प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट हमको इस फोटो को भी देख लेते हैं, इसमें भी यही है कि यहाँ से आ रहा था ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं को लिया कंप्रेसर ने, वन से टू, ये है वन से टू, ये है वन से टू, वन से टू में ये लिया है, ये वन से टू है जिसमें कंप्रेसर चढ़ा है, कंप्रेसर ने क्या किया, आइसोट्रॉपिक प्रोसेस होता है ये, आइसोट्रॉपिक प्रोसेस ने क्या किया, इसको आगे की ओर इसको इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसने कंप्रेस किया, प्रेशर तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया, टेम्परेचर को हमने क्या किया, कूल किया। यहाँ परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं हो रहा है, कि हो रहा है परफेक्ट इंटरकूलिंग तुमको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होना चाहिए था, ये दोनों टेम्परेचर सेम होना चाहिए था, पर इंटरकूलिंग हो रहा है, तो परफेक्ट नहीं हो रहा, परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका दो से तीन जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है जिसमें इंटरकूलिंग हो रहा है, जहाँ टेम्परेचर कमा है। उसके बाद तीन से चार ये पूरा प्रोसेस है, जो कंप्रेसर सेकेंड कंप्रेसर में जाएगा वो इसका प्रेशर और बढ़ाएगा, और ये हायर प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है, और ये आपका लोअर प्रेशर है, इस प्रेशर पे काम करेगा, और इस प्रेशर पे हम इसमें कंवर्जन करेंगे, हीट ऐड किया हमने, हीट ऐड किया तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ के यहाँ पहुँच गया। अब हमने क्या किया, कंप्रेसर सॉरी टर्बाइन में क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, इसमें प्रेशर कमेगा, देखो हाई प्रेशर से कहाँ आ गया, लो प्रेशर पर आ गया, ठीक है, हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर पे आ गया है, और इस प्रकार से प्रेशर भी घटा है, आपका प्रेशर घटा है, टेम्परेचर भी घटा है, तो आपका सिक्स पोजीशन पे आ गया, फाइव से सिक्स प्रोसेस ये वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरकूलिंग ये वाला करेगा, छः से वन वाला प्रोसेस ये वाला है, जिसमें छः से वन में हीट रिलीज होगा। इस प्रकार से इंटरकूलिंग भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब है आपका गैस टर्बाइन विद रीहीटिंग। रीहीटिंग में क्या करते हैं हम भाई, रीहीटिंग में करते हैं फिर से हीट करना, ठीक है। इसी पे मैं ख़त्म कर दूं या अगले लेसन में हम लोग देखेंगे। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ, रीहीटिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग इसमें ब्रेक नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे जो आधा आधे घंटे की वीडियो चलाएंगे, तो कि आधा घंटा आप देखिए वीडियो को पूरा अच्छे से, और फिर आराम से रेस्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो को आप प्ले कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो देख रहे हैं उसको बीच बीच में ब्रेक लेने से आपका वो टूटेगा, आपका लिंक टूटेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, रीहीटिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, और आपसे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि इसको शेयर करें, क्योंकि मैं बना तो रहा हूँ, देख ही रहे हैं कि आपको पहले ही सब कुछ बन चुका है, टॉम का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आप दे दूँ आपको। आरएससी का पूरा कंप्लीट बना हुआ है आपको, ESE और गेट दोनों एग्जामिनेशन के लिए, ESE में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं RSE से, टॉम का बना हुआ, IC इंजन का बना हुआ है आपका वीडियो, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जितने भी आपके जो वो हैं
जनरल स्टडीज के कुछ जो हैं 10 वो टॉपिक है जनरल स्टडी का, वो सारे के सारे बने हुए हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। वो मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया क्या था, क्योंकि उसके जो आपके नोट्स वगैरह थे उसको वो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, उसके लिए मैंने सबसे पहले उसी को वीडियो उसका ही वीडियो बनाया, उसी को सबसे पहले तैयार किया है और वो सबके सब है। इसके अलावा मैंने बता ही रखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स बना हुआ है, ठीक है, तो उसको भी जाकर देखें। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज बना हुआ है, मैं पूरा कंप्लीट करूँगा आपको, यही आपको पूरा बेहतर कर देगा भाई। प्री में मार्क्स लाने के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, प्री अगर प्रीलिम्स निकालना है आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और बेहतर बेहतर प्रैक्टिस का बेहतर बनाइए। और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो अगर रिवीजन करना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा जो क्रैश कोर्स बना हुआ उसी को बस पढ़िए, ठीक है। अगर आपने सारा वाला पढ़ा हो क्या, अब आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्रैश कोर्स पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बना ही चुके होंगे, नहीं तो उसको बनाइए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। दिन भर में आपको क्या करना है कि आपको एक वीडियो देखना है क्रैश कोर्स वाला, मैकेनिकल इंजीनियर है आप तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स देखना है मेरा, उसके अलावा आपको एक घंटा वो देख लीजिए, ठीक है। दिन भर में कितने टाइम है आपके पास, एक घंटा आप वो देख लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए और 3 घंटा रात को एक या दो टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से नहीं होता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 से 2 बहुत है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना होता है कि कहाँ कहाँ आपने गलती किया, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको ऐसे सुधारा जाए, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो 1-3 घंटे का अगर आप टेस्ट देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है 3 घंटे का टेस्ट देने से सिर्फ काम नहीं चलता है, उसको फिर एनालिसिस भी करना पड़ता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। तो आप इसको शेयर कीजिए, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको अगर शेयर कीजिए, खासकर कॉलेज वॉलेज के बच्चे, आप जानते हैं कॉलेज में किस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, तो वो बच्चे अगर आपके छोटे भाई बहन अगर अभी से कॉलेज है फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में है तो उसको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ तो उसको आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं क्या आता है, तो कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा और एक बार पढ़ा रहेगा सेमेस्टर एग्जाम से भी फायदा करेगा और उसको पढ़ाई अगर कॉलेज में होता तो वो समझ में भी आएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही कॉलेज में किस तरह के पढ़ाई होते हैं और बहुत दूर दराज कॉलेज होता है तो उसमें बच्चे कोचिंग भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए और ये भी जानते हैं कि बहुत सारे आपके फ्रेंड जो हैं वो किसी रीजन से, चाहे इकोनॉमिकल रीजन हो या फिर कोई और है, उसको दुकान भी चलाना है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करना है, तो वो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाता, तो उन लोगों के पास मटेरियल उपलब्ध नहीं होता, तो उन लोगों को ज़रूर बताइए, क्योंकि वो टॉनिक का काम करेगा, सब चीज़ें नहीं यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, देखो यूट्यूब पर मिल जाएगा ज़रूर पर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में मिलेगा चीज़ें, ठीक है। वो एक पार्ट कुछ बता दिया एक वीडियो में, फिर कभी बताया, फिर बुलाया अपने कि यहाँ कोचिंग में पढ़ाता हूँ वहाँ आ जाओ पढ़ने, तो इस तरह से मिलेगा। मेरा चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कवर हो रहा है और मैंने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा ज्ञान देने के, अपना ज्ञान शो करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपसे अनुरोध है कि भैया आप इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करेंगे भाई, और ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप शेयर करते हैं जितना ज़्यादा शेयर होगा, आप कोई क्वेश्चन आपका पर्सनल होता है तो आप उससे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी जा सकते हैं, सब एक ही चीज़ से लिंक्ड है तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं मेरा, वहाँ पे क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, तो आपको रिप्लाई एकदम 100% रिप्लाई मिलता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया, हो सकता है लेट सवेर मिले पर मैं कोशिश तो करता हूँ तुरंत को तुरंत रिप्लाई करूँ और जो भी क्वेश्चन जो भी समस्या आता है उसको मैं रिप्लाई करता ही हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस लेसन में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कंप्लीट फिनिशिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको मैं लेके आऊँगा, तब तक आप वेट कीजिए, थैंक यू वेरी मच।